आज सुबह जब सुनीता ने दानव को हमारी सोसाइटी में देखा, वो बहुत चौंक गई। अरे बाजी, ये दानव यहाँ क्यों आया था? वो नवरात्रि के मंडप का काम करने आया। आपको कोई और आदमी मिला नहीं क्या इस काम के लिए? तू ऐसा क्यों बोल रही है? अंजलि भाभी, वो तो चलते फिरते ना उसकी पत्नी है ना गुलाब, उस पर हाथ उठाता रहता है। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। गुलाब, हम जानते हैं तुम्हारा पति तुम्हें मारता है। छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना उनकी आदत बन चुकी है। जब से शादी हुई है तब से खाने से ज्यादा मार ही खाया है मैंने। गुलाब, अब से देवी माँ का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें शक्ति दे और इस नवरात्रि से तुम्हारे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। निको मारता है ऐसे आदमी को तो बराबर सबक सिखाना चाहिए। चाचा जी, क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं दादू नहीं हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे जरा गुस्सा आ गया था। और चाचा जी, और दोनों गुस्सा करेक्ट है। ये बंदा दानव चढ़े ना, बहुत गलत है। एक बार मेरे हाथ में चढ़ जाना, मैं ले उधर लट बोल ढिले कर देने हैं। आन तो दानव लू सबक सिखाना है, मारना नहीं है भाई। हाँ। ओ, मैं तो कहता हूँ उसे उठाकर पटक पटक कर धोते, सारी अकल ठिकाने आ जानी है। अबे चाचा जी ने क्या बोला बेटा? तमे बाप दिख रहा, थोड़ी शांति रख सो। गुस्से करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हाँ। और उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। जैसे लोग समाज की बड़ी बीमारी। सही बात है, और इस बीमारी का इलाज होना ही चाहिए। जो इंसान औरत पे हाथ उठाता है उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। आजकल के जमाने में दिस टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट, रेडिकुलस। बात जमाने की है ही नहीं ना यार, जमाना तो आगे बढ़ चुका है लेकिन सोच आगे नहीं बढ़ी। सही बात है। हाँ, सच्चे। मुझे तो ये दानव जैसे लोगों से बहुत नफरत है। पत्नी का सम्मान नहीं करते। मैं उसके खिलाफ हमारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। हाँ। उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। हाँ। महिला मंडल, अभी मीटिंग की वजह तो पता चल गई लेकिन उस दानव को सबक कैसे सिखाना है उसके बारे में कुछ मतलब सोचा है? हाँ। अच्छा, हाँ। अभी दानव यहाँ आएगा ना तो सब मिलकर उसको अच्छे से समझाएंगे। शाबाश। और उसे लिख के देना होगा कि वो कभी भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करेगा। हाँ। Very good. और अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करेगा। और अगर उसने इनकार किया तो क्या अंजलि? तो हम उसे सोसाइटी के मंडप का डेकोरेशन का काम नहीं करने देंगे। बराबर। दानव की पत्नी गुलाब से मिलकर हम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया है। लेकिन अगर हम उसे काम नहीं देंगे तो क्या वो सुधर जाएगा? वो हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम एक एग्जाम्पल तो सेट होगा कि जो इंसान एक स्त्री का सम्मान नहीं करता उसका समाज बॉयकॉट करेगा। एग्जैक्टली। हाँ। और दानव को भी रियलाइज होगा कि वो अपनी पत्नी को परेशान करेगा तो उसका असर उसके बिजनेस पे होगा। हाँ। सही बात है। अरे होगा ही, जो अपनी घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है ना, लक्ष्मी जी उनके घर पर कभी नहीं जाती। एकदम सही कहा। ये दानव अगर अच्छा मानव नहीं बना ना तो हम उसके पास से मंडप डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लें। हाँ बाबा, ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। और ऐसे घटिया आदमी के साथ ना हमें कोई कनेक्शन रखना है और ना ही उसे कोई काम देना है। अरे पोपट भाई, मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
मंडप डेकोरेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो पैसों वैसों का टेंशन है क्या? अरे पैसे वैसे बाद में कभी भी दे देना। गोकुल धाम सोसाइटी से अपने को पैसों का कोई टेंशन नहीं है। अरे बात वो नहीं है, तो फिर बात क्या है? हमें पता चला है कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, उस पर हाथ उठाते हो। अच्छा तो ये आग इन्होंने लगाई है। मैं इनको पहले भी कहा था, मेरे घरेलू मामलों में बीच में मत आइए। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। प्री रजिस्टर नाउ, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। ये तो गजब हो गया, छोड़ूंगा नहीं मैं चेतालाल को। संभल गया बबी दाजी। छील छील रिलैक्स। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।